दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे हाफ क्लिक के जरिए बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं फोटोशॉप में। देखिए ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और इसको सिर्फ कीबोर्ड से हाफ ही क्लिक किया है, पूरा क्लिक भी नहीं किया तो हमारी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस बैकग्राउंड को भी आप देख सकते हो, इसका भी मैंने हाफ क्लिक में इस तरह से इस बैकग्राउंड को हटाया है। आप भी बहुत ही इजीली तरीके से फोटोशॉप में इस तरह की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। और एक इमेज और है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे भी हमें इस तरह से रिमूव किया है। तो कैसे करेंगे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। तीनों इमेज पे मैं आपको बारी बारी करके दिखाऊंगा परफेक्टली तरीका क्या होता है। दोस्तों आप देखेंगे मेरे पास ये इमेज है और एक ये इमेज है मेरे पास, एक ये है। तीन इमेज मैंने फोटोशॉप में ओपन करके रखी है और फोटोशॉप का वर्जन मेरे पास 2022 है। तो हमें करना क्या है, देखिए मान लीजिए जैसे हमें इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो सबसे पहले करना क्या होता है, यहाँ पे आएंगे नीचे, देखिए सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे लेयर है यहाँ से हमें इसका लॉक हटाना होता है। यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देना है तो ये लॉक हट जाएगा। अब हमें प्रॉपर्टीज पे आना है, जैसे ये प्रॉपर्टीज है इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे इस प्रकार से, यहाँ पे क्विक एक्शन आएगा। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, रिमूव बैकग्राउंड, सिलेक्ट सब्जेक्ट। अगर हम सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ी देर के लिए प्रोसेसिंग में चलेगा। और तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये ऑटोमेटिक इस प्रकार से सिलेक्शन बना लेगा इमेज का, देखिए यहाँ पे इस तरह से, लेकिन ये परफेक्टली सिलेक्शन नहीं बना पाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे ये पेड का भी साथ में सिलेक्शन आ चुका है, तो हमें इसके लिए मैनुअली काम करना होगा थोड़ा बहुत। जैसे लेसो टूल लेके और ऑल्ट दबा के अगर हम इस प्रकार से करेंगे इसका सिलेक्शन लेसो टूल की सहायता से इस तरह से, तो ये सिलेक्शन बन जाएगा। ऑल्ट दबा के हमें इस तरह से थोड़ा मैनुअली काम करना होगा क्योंकि परफेक्ट ये सिलेक्शन बना नहीं पाएगा। तो इस तरह से ये सिलेक्शन बनाता है, लेकिन पूरा परफेक्टली तरीके से कोई भी फोटोशॉप या AI भी नहीं बना पाएगा परफेक्टली तरीके से इस तरह की इमेज का। AI भी कुछ ऐसी इमेज होती है जिनका सिलेक्शन आसानी से बना सकता है, लेकिन वो परफेक्टली तरीके से इस तरह की इमेज का वो भी सिलेक्शन नहीं बना पाएगा। तो इसके बाद हमें, तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करेंगे और देखिए यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे रिमूव बैकग्राउंड पे, ये भी थोड़ी देर के लिए प्रोसेसिंग में चलेगा, उसके बाद बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। तो देखिए दोस्तों मैं जूम करके दिखाता हूँ, जैसे उसने ऑटो सिलेक्शन बनाया था इसी तरह इसने ऑटो बैकग्राउंड को रिमूव किया है और जो पेड का सिलेक्शन ले लिया था तो पेड यहाँ पे इसी तरह दिखाई दे रहा है, इसने भी बैकग्राउंड के जरिए पेड को हटाया नहीं है। यहाँ पे देखिए घास वगैरह भी दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, मैनुअली काम करना होगा, यहाँ लेयर पे आना है, यहाँ पे देखिए एक मास्क तैयार मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमें करना क्या है, ब्रश टूल लेके ओपेसिटी को फुल पे कर देना है, फलों को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और बैकग्राउंड में हमें वाइट कलर करना है और फोरग्राउंड में हमें ब्लैक कलर करना है। और ब्रश टूल लेके देखिए यहाँ पे मास्क को सिलेक्ट करना है लेयर पे और हमें इस प्रकार से इसे मैनुअली तरीके से रिमूव करना होगा, इस तरह से मैनुअली तरीके से ब्रश को छोटा बड़ा करके इस प्रकार से रिमूव करना होता है। अब जैसे ये पेड़ यहाँ से रिमूव हो चुका है तो हमें इस तरह से रिमूव करना होता है एक्स्ट्रा। अब जैसे यहाँ पे देखिए इसके शूज़ वगैरह यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए करना क्या है, इस कलर को चेंज कर देना है, ब्लैक को नीचे वाइट को ऊपर, और इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे पेंट करेंगे देखिए तो यहाँ पे ये घास वगैरह दिखाई देगी। तो इस तरह से हमें जो चीज़ डिलीट हो चुकी है उसको वापस ला सकते हैं और कलर को ऊपर करके चेंज करके जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको इस तरह से हटा सकते हैं। तो ये तो इस तरह से बैकग्राउंड डिलीट हो गया हमारी। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखिए देखिए जैसे ऊपर से हमें कुछ चीज़ को हटाना है तो इस प्रकार से हटाएंगे, और अगर कुछ चीज़ को हमें वापस लाना है तो कलर को ऊपर करके और इस तरह से वापस लाएंगे।
इस प्रकार से हमें वापस लेके आना, देखिए इस तरह से। और इसी तरह मेरे पास एक इमेज और है, मैं एक इमेज पे और करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इसको कट कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ये इमेज है मेरे पास, और इसका लॉक हटाएंगे डबल क्लिक करके, और प्रॉपर्टी पे आके यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। इसे देखते हैं ये परफेक्टली तरीके से रिमूव होती है या नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो नीचे ओरिजिनल इमेज में जो गुलदस्ते है वो यहाँ से इस बैकग्राउंड से रिमूव हो चुके, वो यहाँ से इसने रिमूव कर दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ये रिमूव हो चुके हैं। और अब हमें करना क्या है, ऊपर मास्क को सिलेक्ट करके ब्रश टूल लेंगे और ब्लैक कलर नीचे वाइट कलर ऊपर रखेंगे, ओपेसिटी फ्लो को चेक कर लेंगे, फ्लो को 70 के आसपास ओपेसिटी फुल करेंगे, और ब्रश को बढ़ा के हमें इस तरह से माउस की सहायता से इस तरह से ब्रश से इसको वापस लेके आना। देखिए ये गुलदस्ते यहाँ पे इस तरह से वापस आ जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मान लीजिए कोई चीज़ को हटाना हमें, जैसे बालों के बीच से हमें कोई चीज़ हटानी है, तो हमें करना क्या है, कलर को ऊपर नीचे कर लेना है, वाइट को नीचे ब्लैक कलर को ऊपर, और ब्रश को छोटा करके इस तरह से एक्स्ट्रा जो कलर है उसको हटा सकते हैं हमें इस प्रकार से। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को हटा सकते हैं। और अभी एक इमेज और है मेरे पास, देखिए यहाँ पे ये भी यहाँ पे घास वाली इमेज है, और वो इमेज हमारी प्लेन थी। तो इसको जैसे मैं ऐसे डबल क्लिक करके लॉक हटाता हूँ, ओके करेंगे और प्रॉपर्टी पे आके यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। तो इसे देखते हैं ये परफेक्टली तरीके से रिमूव होती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों ये परफेक्टली तरीके से रिमूव हो चुकी है, नीचे ये इस प्रकार से दिखाई देगी। जैसे इसमें शूज़ वगैरह कट चुके हैं इस तरह से, देखिए। तो हमें ब्रश टूल लेके और कलर को नीचे ऊपर कर लेना, और इस तरह से हमें जो शूज़ कट चुके हैं उनको इस तरह से वापस ला सकते हैं, इस प्रकार से वापस लाएंगे। इस तरह से हमें जो चीज़ ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है उसे फिर से हम इस प्रकार से लेके आ सकते हैं। ये मास्क हमें इसमें इसीलिए मिलता है ताकि हम कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा को हटाते समय अगर वो कट जाए तो उसे वापस ला सकें। देखिए अब जैसे ये बैकग्राउंड है और इसको हटाना है तो कलर को ऊपर नीचे करना होगा, और इस प्रकार से इसको रिमूव कर सकते हैं ब्रश को छोटा करके, इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप देखिए मैंने तीनों इमेज में ये करके दिखाया है, और सबसे बेस्ट जो है वो इस इमेज में हुआ है, क्योंकि इसमें प्लेन बैकग्राउंड थी चारों तरफ से और साइडों में ज़्यादा डार्क वगैरह थी, और इनमें यहाँ पे पैरों में घास वगैरह थी इन दोनों इमेज में, तो ये घास वगैरह यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रही है, और ये प्लेन बैकग्राउंड थी। तो इस तरह से हम दोस्तों फोटोशॉप में हाफ क्लिक के पूरी क्लिक भी नहीं करनी होती, हाफ क्लिक की सहायता से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।